हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग हमारा राजा बैटरी के बारे में विचार विमर्श करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा राजा बैटरी किस प्रकार का स्टॉक है और इसके प्राइस बिहेवियर कैसे रह सकते हैं आने वाले समय में। और इस सेक्टर की एक और कंपनी है एक्साइड इंडस्ट्री, जिस पर हमने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें सेल कॉल दिया था। उसके बाद से एक्साइड के स्टॉक में काफी सेलिंग आई है और वो सेलिंग जो है हम लोगों ने अनुमान जो लगाया था उसके अनुरूप ही है। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी कि जब एक्साइड इंडस्ट्रीज बैटरी की अच्छी कंपनी है और इसमें सेलिंग आई है, तो इस सेक्टर में और कौन सी कंपनी है जिसमें हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों, आज हमने हमारा राजा बैटरी और एक्साइड बैटरी पर कंपैरिजन करने की कोशिश की है। और चलिए दोस्तों, इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों कंपनी में कौन सी कंपनी अच्छी है और इसमें इन्वेस्टमेंट की राय किसमें बनती दिख रही है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, एक्साइड इंडस्ट्रीज जो कि बैटरी बनाने वाली कंपनी है, वो लगभग 148 रुपए में ट्रेड कर रही है और इसका पी वैल्यूएशन लगभग 16 रुपए के आसपास है। वहीं पर हमारा राजा बैटरी का जो ट्रेडिंग प्राइस है 680 रुपए के आसपास है और ये लगभग 17.5 रुपए के पी पर ट्रेड कर रही है। तो यहाँ पर हमारा राजा बैटरी थोड़ी सी महंगी दिखती है। और मार्केट कैप के हिसाब से देखिए दोस्तों, तो मार्केट कैप के हिसाब से एक्साइड इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप ज्यादा दिख रहा है और डिविडेंड यील्ड भी जो है एक्साइड इंडस्ट्रीज का ज्यादा है और हमारा राजा बैटरी का कम है। लेकिन दोस्तों, रिटर्न ऑन इक्विटी के मामले में देखिए तो राजा बैटरी का रिटर्न ऑन इक्विटी 15.38 है और एक्साइड का 13.39 है, जो कि हमारा राजा बैटरी से कम है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी हमारा राजा बैटरी का काफी अच्छा है इस एक्साइड इंडस्ट्रीज के बनिस्पत। लेकिन हमारा राजा बैटरी में एक निगेटिव पॉइंट है कि हमारा राजा के प्रमोटर ने लगभग 6% स्टॉक जो है प्लेज रखे हुए हैं। यहाँ पर थोड़ी सी निगेटिविटी ये दिख रही है, लेकिन 6% का प्लेज काफी कम होता है, तो हम लोग इसको इग्नोर करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, हम लोग हमारा राजा बैटरी के एनुअल रिजल्ट को चेक कर लेते हैं पिछले 10 सालों का। तो हम लोग यहां पर देख रहे हैं कि हमारा राजा बैटरी 2008 में 1083 करोड़ का सेल्स करती थी, जो कि धीरे धीरे बढ़ते हुए मार्च 2019 में ये 6793 करोड़ का हो गया। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि मार्च 2008 से मार्च 2019 के बीच इनका जो सेल्स है लगभग 6 गुना हुआ है, 6 times हुआ है। तो यहाँ पर काफी बढ़ोतरी देखने को मिली है। और नेट प्रॉफिट फ्रंट पर भी देख लीजिए दोस्तों, सेम पीरियड में FY8 में इनका 94 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ करता था, जो कि FY19 में बढ़कर के 483 करोड़ का हो गया। तो यहाँ पर दोस्तों, हम लोग FY8 से FY19 में हम लोगों को जो है ये काफी तगड़ा जंप देखने को मिला है इनके नेट प्रॉफिट में, काफी मल्टीप्लाई हुआ है। और इनका इंटरेस्ट बर्डन भी देखिए दोस्तों, FY8 में ये 14 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती थी, जो कि अब घट करके मात्र 7 करोड़ रह गया है। तो नेट प्रॉफिट में जबरदस्त उछाल मिला है और इनके इंटरेस्ट पेमेंट में कमी देखने को मिली है, जो कि काफी पॉजिटिविटी इस स्टॉक में दिखा रही है। अब सेम चीज दोस्तों, हम लोग एक्साइड इंडस्ट्रीज में भी चेक कर लेते हैं कि एक्साइड इंडस्ट्रीज में क्या हुआ है। एक्साइड इंडस्ट्रीज दोस्तों मार्च 2008 में लगभग 3000 करोड़ का सेल्स करती थी, जो कि हमारा राजा बैटरी का 3 times हुआ करता था। अब वो बढ़कर के मार्च 2019 में बढ़कर के लगभग 15000 करोड़ के आसपास हो गया है। तो यहाँ पर इनके सेल्स में जो है
5 टाइम्स का जंप देखने को मिला है एक्साइड इंडस्ट्रीज में। लेकिन प्रॉफिट में दोस्तों, नेट प्रॉफिट FY8 में ये 164 करोड़ का नेट प्रॉफिट करती थी, जो कि FY19 में बढ़कर के 846 करोड़ का हो गया है। तो यहाँ पर भी इनके भी नेट प्रॉफिट में जंप देखने को मिला है मल्टीफोल्ड। तो यहाँ इस फ्रंट पर भी ये दोनों पैरामीटर पर पास हो जाती है। लेकिन दोस्तों, सेम पीरियड में इनका इंटरेस्ट बर्डन देखिए, 2008 में 49 करोड़ का इंटरेस्ट पे करती थी, जो कि बढ़ करके अभी FY19 में 117 करोड़ हो गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि इनका इंटरेस्ट बर्डन जो है समय के साथ काफी बढ़ा है। और इनका इस फ्रंट पर अगर हम लोग हमारा राजा बैटरी और एक्साइड बैटरी में कंपेयर करते हैं, तो इस पैरामीटर के आधार पर हमारा राजा बैटरी जो है विनर दिख रही है इनके रिजल्ट के अनुसार। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग हमारा राजा बैटरी का बाकी ओवरव्यू भी ले लेते हैं कि इसमें बड़े निवेशकों का किस प्रकार का रुझान है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इस हमारा राजा बैटरी में प्रमोटर लगभग 28% का स्टैक लिए हुए हैं और म्यूचुअल फंड वाले 8% लिए हुए हैं, FIs करीब 21% है और 39% जो है पब्लिक की होल्डिंग है। और यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं प्रमोटर की होल्डिंग जून 2019 से काफी कम हो गई है। और इसको दोस्तों हम लोग DIs के नजरिए से भी देख लेते हैं। DIs ने मार्च 2018 में 9.42 का इसमें होल्डिंग था, जो कि मार्च 2020 में घट करके 8.21 हो गया है। लेकिन हिस्टोरिकल FIs होल्डिंग अगर हम लोग देखते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं मार्च 2018 में 18.97% होल्डिंग थी FIs की, जो कि बढ़ करके मार्च 2020 में लगभग 21% हो गया। तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से इस बार चार्ट में देख रहे हैं कि इनका जो है FIs का होल्डिंग पहले बढ़ा फिर घटा है, अब वापस जो है इनका अपना होल्डिंग हमारा राजा बैटरी में बढ़ने लगा है। तो ये इसके स्ट्रेंथ को दिखा रहा है कि हमारा राजा बैटरी का फंडामेंटल अच्छा है, तभी बड़े निवेशक इसमें अपनी स्टैक बढ़ा रहे हैं, तो ये एक अच्छी बात है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इसके रिटर्न को देख लेते हैं, हमारा राजा बैटरी का ये किस प्रकार का रिटर्न दी है पास्ट में। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि ये पिछले एक महीने में लगभग 26% का रिटर्न दी है, 3 महीने में ये 40% का रिटर्न दी है, जबकि सेम पीरियड में सेंसेक्स जो है 19% का रिटर्न दिया है। तो ये सेंसेक्स को आउट परफॉर्म किया। पिछले 10 साल में दोस्तों ये 675% का रिटर्न दिया, यानी ये लगभग अपने निवेशकों का पैसा 6 टाइम्स से ज्यादा कर दिया। अगर हम लोग सेंसेक्स के हिसाब से देखें, तो सेंसेक्स को इसने आउट परफॉर्म किया है और अपने इंडस्ट्री को भी इसने आउट परफॉर्म किया है, कि इंडस्ट्री जो है इसकी -12% का रिटर्न दिया, जबकि पिछले एक साल में 13% से ज्यादा का रिटर्न दे चुकी है। इस तरह से इसने अपने सेक्टर को भी आउट परफॉर्म किया है। बाकी सेक्टर निगेटिव रिटर्न दे रहे हैं, लेकिन ये पॉजिटिव रिटर्न देने में कामयाब रही है, जो कि इस निगेटिव माहौल में इसके स्ट्रेंथ को दर्शा रहा है। अब चलिए दोस्तों, हम लोग इसके चार्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट इसके क्या बता रहे हैं। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि हमारा राजा बैटरी का जो 50 EMA है वो लगभग 705 रुपये के आसपास आता है। ये स्टॉक लगभग उसके आसपास पहुंच चुका है, इसने 200 EMA से जंप लिया है, 100 EMA को जस्ट अभी क्रॉस किया है और 50 EMA को ये क्रॉस छूने की कोशिश कर रहा है। तो हम लोग दोस्तों ये मान सकते हैं कि आने वाले दिनों में ये इसकी पॉजिटिविटी बनी रहेगी और ये काफी दिनों बाद जो है 50 EMA को टच करने जा रहा है। जब भी ये 700 के लेवल को पार करेगा, अपने 50 EMA को जब भी ये पार करेगा, उसमें इसके बाद इस स्टॉक में काफी तेजी देखने को मिलेगी। और ये लगभग जो है हम लोग ये मान सकते हैं कि 700 को क्रॉस करने के बाद ये 850 का लेवल जल्दी दिखाने की कोशिश करेगा, ऐसा हम लोग मान सकते। दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि हमारा राजा बैटरी और एक्साइड इंडस्ट्री, जो कि दोनों ही बैटरी बनाने की कंपनी है और इसमें
हमारा राजा बैटरी के फंडामेंटल्स ज्यादा अच्छे दिख रहे हैं और इसके टेक्निकल चार्ट भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में हमारा राजा बैटरी में एक लंबी तेजी बन सकती है, ऐसा हम लोग उम्मीद कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और शेयर करें।